सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप की रील्स वीडियो एडिट करने वाले हैं जो कि इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इसमें जो टेम्पलेट यूज होगा और साथ में ही इसमें जो म्यूजिक यूज होगा, दोनों का ही डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको वीपीएन कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। और गाइस, इसी के ऊपर मैं वीडियो ला रहा था अपने मेन चैनल के ऊपर, तो उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आ गया, तो इसीलिए उस चैनल पर 2 हफ्ते से वीडियो अपलोडिंग बंद हो गया है। तो इसलिए इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, तो इस पर जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो मेरा यहाँ पर इजीली वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम वीपीएन कनेक्ट करने में नहीं आई है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट, और लास्ट में आपको ताहिर एडी लिख के सर्च कर देना है। जैसे ये लिख के सर्च कर देंगे, यहाँ से आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते नीचे चले आना है, और यहाँ से आपको यूज टेम्पलेट इन कैपकट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। गाइस, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये हमारा कैपकट एप्लीकेशन के अंदर रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने ही क्लिक करूंगा, और इस वीडियो में कोई कट भी नहीं रहेगा, ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि हाँ, इस लिंक पर क्लिक करने से ये लिंक वर्क करता है, जो कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना काम हो जाने के बाद फिर आपको नीचे यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा वीडियो बनके रेडी हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक्सपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको नीचे सेव टू टिकटॉक पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका वीडियो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने वीडियो के अंदर म्यूजिक लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अभी अभी आपने जो वीडियो को एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको नीचे ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपका वीडियो कुछ इस टाइप से शो होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको नीचे ऐड ऑडियो पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक म्यूजिक का लिंक मिल जाएगा, वो एक वीडियो होगा, तो आपको उस वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पर आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको नीचे इंपोर्ट साउंड ओनली पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका म्यूजिक ऐड हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको इस म्यूजिक को इस वीडियो के हिसाब से कट कर देना है, जो कि हमारा वीडियो इतना है, तो मैं इसके हिसाब से म्यूजिक को कट कर देता हूँ। तो इतना काम हो जाने के बाद फिर आपको इसको हाई क्वालिटी के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।